सो अगर आप भी परेशान हैं अलग अलग क्लाउड गेमिंग ऐप ट्राई करते करते, तो आज अब मैं आपके लिए एक ऐसा ऐप लेकर आ चुका हूँ जो बहुत ही मस्त है। मतलब आपको दूसरे ऐप में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पे बहुत सारी PS4 एंड PC गेम मिल जाएंगी जो आपको खेल के मज़ा आ जाएगा, और आपको दूसरे क्लाउड गेम में जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें इसमें डेली का टाइम मिलता है, इस वजह से आपको दूसरे क्लाउड गेम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी क्लाउड गेमिंग भी बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर हमें बहुत बेहतरीन गेम मिल जाती हैं जिसको आपको खेल के मज़ा आ जाएगा। बाकी अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आपको गेम खेलने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि आपके पास एक जितना अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट होगा उतनी अच्छी आपकी गेम चलने वाली है। अगर आपके पास ज़्यादा अच्छा इंटरनेट नहीं है, आप 4G पे अगर आप खेलते हो तो गेम स्मूथ चल जाएगी अगर आपकी 100 MS आ रही है। मैंने 4G पे 100 MS पे खेल के देखा था मार्वल स्पाइडरमैन गेम, बहुत स्मूथ चल रही थी, बिल्कुल लैग सा फील ही नहीं हो रहा था मुझे। अगर आपकी 200-300 MS आ रही है तो आपकी गेम हाँ हल्की फुल्की लैग देखने को मिलेगी, बाकी इतना लैग देखने को नहीं मिलेगा। 100 MS पे आपकी बिल्कुल ही बेहतरीन गेम चलने वाली है, मतलब बिना लैग के चलने वाली है 100 MS पे। इसलिए आप ऐसी जगह पे खेलना जहाँ पे आपका नेट बहुत ज़्यादा फास्ट चलता हो। अगर आपके पास 5G तब तो आपकी गेम बिना लैग के चलने वाली है स्मूथ। तो अब मैं बता देता हूँ आपको कैसे खेलना है, कौन से ऐप में खेलना है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक फॉलो नहीं कराया तो फॉलो भी कर लेना। और ये मैं वीडियो दोबारा डाल रहा हूँ, मतलब मुझे कमेंट आया था भाई प्रोसेस समझ में नहीं आया एक और बार डाल दो, तो इसलिए मैं इस क्लाउड गेमिंग के ऊपर दोबारा वीडियो डाल रहा हूँ। तो अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना नीचे कमेंट करके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, वहाँ से आके डाउनलोड कर लेना। अगर आपको प्ले स्टोर से करना है तो प्ले स्टोर से भी कर सकते हो। उसका नाम है जॉयसैक एप्लीकेशन, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है जॉयसैक को। और इसके नाम से मतलब जॉयसैक ऐसी इस नाम से और भी एप्लीकेशन आती है, इसको डाउनलोड नहीं करना, आपको इसी को डाउनलोड करना है। तो अभी आपको इसको डाउनलोड करने के बाद का मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। जिन्होंने इस क्लाउड गेम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं उनको तो पता ही होगा, वो चाहे तो पूरी वीडियो देख लें एक और बार, अगर नहीं देखना है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। सो अभी मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ डाउनलोड करने के बाद। सो अभी हमें इसके अंदर लॉगिन करना होगा, यहाँ से शॉप के अंदर जाना है, यहाँ से लॉगिन विद गूगल आप कर लेना, अपनी एक जीमेल आईडी से कर लेना। सो अभी मैं लॉगिन हो चुका हूँ, अब यहाँ से हमें टाइम रिसीव कर लेना है। यहाँ से हमें 10 मिनट का टाइम मिलता है फ्री, ये डेली मिलता है, आप इसको 20 मिनट भी कर सकते हो, मतलब आप रात को कलेक्ट करना सुबह में या फिर रात में, और फिर दूसरी बार 24 घंटे बाद फिर से कलेक्ट कर लेना तो आपको 20 मिनट हो जाएंगे। 24 घंटे से पहले करना है वरना 24 घंटे बाद तो एक्सपायर हो जाता है। अब यहाँ पर मैं बाकी गेम के कनेक्शन आप देख ही सकते हो, कलेक्शन भर भर के आपको गेम मिल जाती है। यहाँ से आपको MS देखने को मिल जाएगी, कोई सा भी सर्वर चूज़ कर लेना। करने के बाद हमें यहाँ पे थोड़ी सी क्यू देखने को मिल जाएगी, अब क्यू ख़त्म होने के बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा। एक कन्फर्म का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ से हमें इनको कन्फर्म कर देना है और हमारी गेम स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आप गेम देख सकते हो, मैंने इसको 5G नेटवर्क पे खेला है, बहुत ही स्मूथ चल रही थी, और जैसे ही 4G पे मेरा फ़ोन शिफ्ट हो रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिल जा रहा था, मतलब इतना भी लैग देखने को नहीं मिलता था। मैं 5G पे खेल रहा था, इस वजह से मुझे ज़्यादा महसूस हो रहा था लैग। अगर आप 4G पे खेलोगे तो आपको इतना महसूस नहीं होगा, अगर आपके पास 5G है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपकी गेम स्मूथ चलने वाली है। सो अभी आप थोड़ा सा गेम प्ले भी देख लो। सो अभी मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ से हमें स्टार्ट कर लेना है गेम को। और हाँ, आप गेम जहाँ से छोड़ोगे आपका गेम दोबारा वहीं से आएगा, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं इस गेम को ऑलमोस्ट आधे से थोड़ा सा कम होने वाला है मेरा गेम, ये मैंने इसको दूसरे फ़ोन में ट्राई करा इसलिए शुरू से आ रहा है। मेरे पहले वाले फ़ोन में मैं रोज़ खेल रहा हूँ 10-20 मिनट, इसके अंदर आधे से ज़्यादा वाला है, आधे से मतलब थोड़ा कम हो गया, आधा होने वाला है, पूरा एंड कर दूँगा, सिर्फ फ़ोन ही में एंड कर दूँगा इसका। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से कुछ सेटिंग इसकी दिखा देता हूँ, बाकी की ज़्यादा इसकी सेटिंग में कुछ है ही नहीं, आप सीधा गेम पे ले देखो। देखो मेरा इसलिए लैग हो रहा है क्योंकि अभी मेरा 4G पे शिफ्ट हो गया, 500 MS आ रही है। अब मैं आपको सीधा गेम पे ले दिखाता हूँ। तो ये रहा इसका गेम प्ले,
आप गेम प्ले भी देख लो। मेरा मैंने हाँ इसको 5G पे अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहे थे, वैसे अभी फुल 5G चल रहा था, जैसे मैंने गेम स्टार्ट करा वैसे 4G हो गया, इस वजह से थोड़ा बहुत चिपक रहा है। ये देख सकते हैं स्मूथ हो रहा है धीरे धीरे 4G पर भी। आप मतलब अगर आपके पास 4G डिवाइस है तो आप ये मत सोचना कि भाई मेरे में तो बहुत ज़्यादा लैग होगी, चलाने को कोई फ़ायदा ही नहीं है। भाई मैंने 4G डिवाइस में भी खेला, उस पर बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है, इस पर भी मतलब ऐसी लैग देखने को बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं इसके ऊपर जो मैंने पहले वीडियो डाली थी वो मैंने 4G फ़ोन में खेला था, बहुत ज़्यादा स्मूथ मुझे स्टेबल देखने को मिल रही थी। और बाकी बस आज की वीडियो में इतने, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।